हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस। स्वागत करती हूँ आप सभी का। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो ये जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये आपके पार्टनर का लेट नाइट थॉट्स की रीडिंग है। आपके पार्टनर देर रात क्या सोचते हैं आपके बारे में, उनकी फीलिंग्स थॉट्स क्या है आज देर रात, क्या सोच रहे हैं, सोच भी रहे हैं कि नहीं, और मैसेज क्या देना चाहते हैं आपको। चलिए फोकस उन पर बनाइए। ऑल साइंस रीडिंग है, सबके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर का लेट नाइट थॉट्स क्या है, देर रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, सोच भी रहे हैं कि नहीं, क्या चल रहे हो उनके दिलो दिमाग में मेरे व्यूअर्स को लेकर। किंग ऑफ कप्स, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप इनसे बहुत प्यार करते हो, तो एक नई शुरुआत हो जाना चाहिए। आप दोनों के बीच ऐसा प्यार है जो आजकल आज की दुनिया में मिसिंग है, जो आजकल बहुत कम ही देखने को मिलता है। आप दोनों को बातचीत करना चाहिए, आप दोनों को आमने सामने आना चाहिए, आप दोनों को कुछ चीज़ों को लेकर बिल्कुल क्लियर कर लेनी चाहिए एक दूसरे को लेकर। आप दोनों के बीच जो बातचीत नहीं हो रही है या क्लैरिटी है, कन्फ्यूज़न है, उसको दूर करके एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए, दोनों को ही करना चाहिए। ये जो नई शुरुआत है, न्यू बिगनिंग से लेकर कम्प्लीशन तक का जो रास्ता है वो थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है, पर विक्ट्री ज़रूर मिलेगी अगर आप दोनों ने कोशिश की इस रिश्ते में वर्क करना। तो आपके पार्टनर का सोच मैं ये देख पा रही हूँ आपके लिए कि ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, और इनके जितना प्यार एज अ पार्टनर आपको कोई नहीं कर सकता, ना ही कोई मिल सकता है इनके जितना प्यार करने वाला। ये आपके सच्चा आशिक हैं, आपके ट्रू लवर हैं, ये आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, ये बिल्कुल रेडी हैं आपके साथ नई शुरुआत के लिए। आप एक साइन देकर तो देखो, ये आपको कुछ साइंस दे रहे हैं, ठीक है, तो आप भी इनको कोई साइन दो कि इनके साथ आपको आगे बढ़ना है, ये तो क्लियर करो। आप ये कहना चाहते हैं, ये हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं, हमेशा आप इनके यादों में होते हो, आप बहुत खूबसूरत हो। आपने जितना प्यार दिया है इनको, ये बदले में उतना प्यार आपको देना चाहते हैं। आपके पार्टनर का थोड़ा सा शिकायत मैं देख पा रही हूँ आपसे, कभी कभी आप बहुत स्वीट होते हो कि आपके जितना मीठा इनको कोई लगता ही नहीं है, और कभी कभी आप इतना ज़्यादा रूड हो जाते हो, इतना ज़्यादा क्रूअल आप इनको लगते हो कि आपके जितना हार्टलेस पर्सन कोई नहीं है। ये आपके पार्टनर का थोड़ा सा शिकायत है आपसे कि आप इतना भी गुस्सा ना किया करो इन पर, अपने गुस्से पर थोड़ा सा काबू किया करो। आप पता नहीं गुस्से में क्या क्या नहीं बोल जाते जो इनको हर्ट करता है, इनको पता है, कोई डाउट नहीं, आप इनसे बहुत प्यार करते हो, और फाइट वहाँ ही होता है जहाँ पर प्यार हो। यहाँ पर क्वीन और किंग साथ में आया है, देख पा रहे हो, अगर आप इनके लिए परफेक्ट हो तो ये भी आपके लिए परफेक्ट हैं, ये कहना चाहते हैं। चलो ना यार, फाइट बहुत हो गया, फाइट को ख़त्म करते हैं, नई शुरुआत करते हैं। क्या रखे इस फाइट में जो हम दोनों को हर्ट कर रहे हैं, हम दोनों को दूर कर रहे हैं, क्या युग में रहना। तो मैं थोड़ा सा एफर्ट्स करो, मैं भी थोड़ा सा एफर्ट्स करती हूँ और साथ में आते हैं, ये फाइट को ख़त्म करते हैं। हमारे बीच इतना प्यार है कि इस फाइट की कोई जगह ही नहीं है, ये तो होता ही रहता है और ये होगा ही जब तक हम साथ में हैं। तुम तो जानते हो हमारे बीच कितना फाइट हुआ है और गया है, आया और गया है ऐसे दिन। तो इस फाइट को भी ख़त्म करते हैं, द एंड करते हैं इसका, और साथ में आते हैं, रोमांस करते हैं। काफ़ी रोमांटिक हो रहे हैं आपके पार्टनर, वाओ। और क्या चल रहा है इनके मन में? इनको ना आपसे फाइट करना बहुत पसंद है, मैं आपको बता देती हूँ। कभी कभी आपसे फाइट ये जानबूझकर करते हैं, मस्ती में ही करते हैं। आपके पार्टनर का ये भी मैं देख पा रही हूँ, अगर आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है ना, तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। फाइट इनको करना चाहिए, कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए जिससे आपको तेज गुस्सा आए, और गुस्से में आप इनको कांटेक्ट करो, बातचीत करो, कुछ तो ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं।
ठीक है, जैसे आप गुस्सा हो जाओ, आपको तेज़ गुस्सा आए और गुस्से गुस्से में आप इनको कांटेक्ट करो कि तूने ऐसा कैसे कर दिया, क्या किया है तूने, ये इनका ऐसा सोच है। बातचीत होती है आप दोनों के बीच, चाहे फाइट ही क्यों ना हो, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा, आप दोनों वापस से साथ में आ जाओगे। जो गिला शिकवा था, प्रॉब्लम्स थी, इस फाइट के बाद ख़त्म हो जाएगी, आपके एक कम्युनिकेशन से ख़त्म हो जाएगी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, गुस्सा नाराज़गी है। तो चलो फाइट कर लेते हैं, उसके बाद सब कुछ सही करते हैं, इस वाले एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको काफ़ी सेक्सी मानते हैं ये, इस नज़र से भी आपको देखा जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको कहीं पर लेकर जाना चाहते हैं, फिर रोमांस करना चाहते हैं, ठीक है। मैं काफ़ी रोमांस देख पा रही हूँ, काफ़ी रोमांटिक हो सकते हैं आपके पार्टनर, या तो आप हो, या तो दोनों ही काफ़ी रोमांटिक कपल हो। आप दोनों के रिश्ते में रोमांस काफ़ी है, इमोशंस है, लव है, रोमांस है, फाइट है, दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं हो, चाहे गुस्से में हो, चाहे रोमांस में हो, चाहे प्यार में हो, दोनों एक से बढ़कर एक हो, दोनों ही फायर हो, और दोनों जितना एक दूसरे के सामने झुकते हो शायद ही किसी और के सामने झुका होगा। आपके पार्टनर की एनर्जी पॉजिटिव है आपको लेकर, ठीक है, मुस्कुरा रहे हैं वो आपको लेकर, आपकी ओर काफ़ी आकर्षण महसूस कर रहे हैं, आपके साथ कोई खेल खेल रहे हैं, खेलना चाह रहे हैं, कुछ सोच सोच कर मन ही मन में बहुत मुस्कुरा रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स और क्या है, और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर। इंतज़ार, उस दिन का इंतज़ार है जब बातचीत होगी, जब आमने सामने आओगे। इनकी वॉइस काफ़ी अच्छी है, या तो आपकी वॉइस काफ़ी अच्छी है, ठीक है, आपकी वॉइस इनको अट्रैक्ट करती है कि आपके प्यार में है, आपकी वॉइस से बहुत प्यार करते हैं, आपसे तो करते हैं, ओवरऑल जो भी आप हो बिल्कुल पूरी तरीके से आप पर लट्टू हैं, ये प्यार बहुत करते हैं, पर आप में कुछ तो ऐसी क्वालिटी है जिससे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो आपकी वॉइस हो, या तो इनकी वॉइस ऐसा जिससे आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं गाना सुनाकर, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा रोमांटिक हो रहे हैं, आपके पार्टनर आपको कोई सॉन्ग सुनाना चाहते हैं प्यार भरा, या स्टेटस स्टोरी कुछ शेयर कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जिससे आप महसूस करो कि आपसे कितना प्यार करते हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके प्यार में हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, ये आपको आकर्षित करना चाहते हैं अपने किसी टैलेंट का यूज़ करके, या तो आपसे गाना सुनना है, डिमांड कर सकते हैं। फाइट हो गया, चलो तुमने कितना फाइट किया, तुमने कितना कुछ सुनाया मुझे, तुमने मुझे नाराज़ कर दिया, तो चलो मनाओ, इस तरह का थोड़ा सा क्यूट फाइट मैं देख पा रही हूँ दोनों के बीच। या तो आप इनको गाना सुना कर मना रहे हो, या तो ये पर्सन ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी मिला है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स और क्या है, और क्या कुछ सोच रहे हैं। कभी आपने ऐसा किया है उसके बारे में सोचना आपके पार्टनर, हो सकता है ये पास्ट की एनर्जी है और फ्यूचर में ये होने जा रहा है, रिपीट ये होती रहती है ये सब आप दोनों के बीच। आपके पार्टनर दर्द में हैं, आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको चेकआउट कर रहे हैं, आपके पार्टनर आप पर फिदा हैं, आपके पार्टनर चाहते हैं रोमांस करना, बिल्कुल मुझे वही वही एनर्जी मिल रही है यहाँ पर। इनको कंट्रोल नहीं हुआ जा रहा है, जल्द से जल्द आपसे मिलना है, साथ आना है, रोमांस करना है, दिखाना चाहते हैं कितने रोमांटिक हैं ये, ठीक है, आपके प्यार में कितने पागल हैं ये, कितने दीवाने हैं आपके, कितना इंतज़ार कराया है आपने, इन्होंने कितना इंतज़ार किया इस फाइट का, आपको पता भी है इन्होंने लोगों से लड़ा है आपके लिए, लोगों का गॉसिप करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। आप दोनों के रिश्ते में उंगली करे, उंगली उठाए, आपके बारे में बात करे, कोई गलत कहे आपके रिश्ते के लिए, आपके लिए,
ये इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। जो भी फाइट है, फाइट हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि लोग कुछ कहे, क्योंकि मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रहा है आप दोनों के बीच जो फाइट हुआ उसके बाद किसी ने आपके बारे में जानने की कोशिश किया, भड़काने की कोशिश किया, पर इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। इन्होंने अच्छा खासा उनको सबक सिखाया है या ऐसा जवाब दिया है कि वापस से वो कभी आपके बारे में इस तरह की बातें नहीं करेंगे, इनके सामने तो करेंगे ही नहीं, या भड़काने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का एनर्जी भी मुझे मिल रहा है कि आपके पार्टनर आपके इमेज को, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनको कह दिया इन्होंने जो भी थे वो कि ये आपको अपना फैमिली मानते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, ये आपके इंतज़ार कर रहे हैं और सिर्फ आप ही हो जिनके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये फैमिली का ड्रीम देखते हैं, सिर्फ आप ही हो जो इनकी लाइफ को, इनके वर्ल्ड को कंप्लीट करता है, जो इनसे बहुत प्यार करता है, रिस्पेक्ट करता है इनका, और ये आपका करते हैं, आपके बिना ये तन्हा है, आप नहीं तो कोई और नहीं, इस तरह का एनर्जी है इनका। ये बेवकूफ़ थे, ये फूल थे जो आपसे फाइट कर लिया, आपसे दूर हो गए, पर इनको फिर से लौटना है आपके पास, अपने किंग या अपनी क्वीन के पास, रिश्ते को सही करने के लिए, दिल की बात बताने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ये इनकी फीलिंग्स है, इनका जवाब मैं देख पा रही हूँ, किसी और को दिया जा रहा है, दिए हैं इन्होंने, ये बात आपको बताएंगे कि इन्होंने फाइट किया है आपके लिए, किसी से फाइट करके आ रहे हैं। ठीक है, इनको लड़ने की ज़रूरत है तो लड़ेंगे जी। आप दोनों के बीच फाइट हुआ है, नो कांटेक्ट में हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बारे में कोई और कुछ गलत कहे बोले, ऐसे कैसे, लव हो आप इनके तो प्रोटेक्ट करते हो, मुझे दिखाई दिए हैं, आपके लिए स्टैंड लेते हो मुझे दिखाई दिए हैं, आपके फेवर में कुछ बोलते हुए दिखाई दिए हैं। आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं अभी इस वक्त आपके पार्टनर, यूनिवर्स मुझे बताएं अभी इस वक्त इनके पार्टनर के मैसेज क्या रहे हैं, इनके लिए क्या कहना चाहते हैं इनके पार्टनर। आपके बिना तन्हा हैं, अलोन हैं, आपको बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं, आप आ जाओ ना इनके पास, आप इनको गले से लगाओ ना, आप इनको हग करो ना। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप इनके बेबी के फादर मदर बनो, आप सिंगल पेरेंट हो, या तो ये हैं इंतज़ार कर रहे हैं आपका, या आपका साथ चाहते हैं। इनका कुछ मजबूरी है जो कि आपसे दूर रख रहे हैं इनको कुछ लोगों के लिए, पर ये आपका साथ चाहते हैं। ठीक है गाइस, आपके बिना ये अकेले हैं, आप नहीं हो तो किसी और के साथ भी नहीं हैं, पूरा दिन आपके बारे में सोचते रहते हैं, हग करना चाहते हैं, कभी किया था उसको याद करके इनको क्रेविंग बढ़ रही है, काश वो दिन आ जाए। वो दिन कब होगा जब आप इनके बेबी के फादर मदर बनोगे, साथ में आओगे, इनको इंतज़ार है जब इनके लाइफ में आप लौट आओगे, जब आप दोनों के बीच नई शुरुआत होगी। तो ये है आपकी रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैशेस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। आपके लिए नंबर 10, 6, 12, 13, 14, 11, 1, 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 6 भी, 6, 10 भी और 9। ये है गाइस आपकी रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।